कर इस मुल्क से सजमी से अंग्रेजों को हटाया और उसमें शायरी जो की वो शायरी सेकुलर शायरी थी, वो शायरी इस दुनिया की शायरी थी, वो शायरी एहतजाज की शायरी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो ये एहतजाज की बात कुछ कम पड़ी। शायरों का काम है एहतजाज का परचम बुलंद रखना। सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें नहीं टिकती हैं, आवाम टिकती है, आवाम की आवाज टिकती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कविताएं खुद में इतना कुछ कहती हैं। वे डरते हैं, वे आप जानते हैं कौन, वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं। वे किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। निहत्थे और गरीब लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया है और ये लड़ाई, ये निहत्थे और गरीब लोगों की लड़ाई, एक तरफ हम हैं सामान्य लोग, शाहीन बाग की महिलाएं हैं जिन्होंने एहतजाज का परचम बुलंदी से थाम रखा है, और दूसरी तरफ सरकारें हैं जो जिनका एक ही काम आता है, जिनको एक ही काम जिंदगी में आता है, किसी तरह आग लगा दी जाए, किसी तरह नाश कर दिया जाए, किसी तरह नष्ट कर दिया जाए। सो एक तरफ बनाने वाले लोग हैं और एक तरफ मिटाने वाले लोग हैं। आप जानते हैं बनाने वाले लोगों की लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन दूर तक तो यही लड़ाई जाती है।